अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्रायोथेरेपी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्रायोथेरेपी और कायरो, ठीक है, दोनों हमारे पास क्या है, डिफरेंट चीज़ें होती हैं। ठीक है, जो कायरो होती है इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे होते हैं, यूजली कायरो को हम लोग कहते हैं कि इसमें हम लोग जो है वो एडजस्टमेंट्स कर रहे होते हैं हाई वेलोसिटी की, ठीक है, और हम लोग कहते हैं लो एम्पलीट्यूड की मूवमेंट्स होती है जो कि रैपिड एडजस्टमेंट के लिए यूज़ होती है, वो एक अलग टेक्निक है। दिस इज़ क्रायोथेरेपी। क्रायो का मतलब होता है कोल्ड, ठीक है, इसमें हम लोग क्या कर रहे होते हैं, कोल्ड थेरेपी है, कोल्ड पैक्स वगैरह को यूज़ करना हम लोग इसको कह रहे होते हैं क्रायोथेरेपी। डेफिनेशन में वो ये कहता है कि एप्लीकेशन ऑफ कोल्ड फॉर वेरियस थेरेप्यूटिक पर्पसेस इज टर्म्ड एज क्रायोथेरेपी। ठीक है, अब वो कहते हैं कि क्रायोथेरेपी कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। देखिए, क्रायोथेरेपी हम यूजली इस्तेमाल करते हैं सब एक्यूट इंजरीज़ के अंदर, या फिर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, जॉइंट ट्रॉमास के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि एक्यूट स्टेजेस पे होता है। एक्यूट स्टेजेस पे हम लोग वॉट थेरेपी रेकमेंड नहीं करते हैं। अगर हमारे पास एक्यूट किसी को स्प्रेन हुआ है या फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है, और पेन को हम लोग रिलीव करना चाहते हैं, उस केस में इन्फ्लेमेशन को कम करना चाहते हैं, एडिमा को रिड्यूस करना चाहते हैं, तो हम लोग जो है वो रैपिडली फ़ौरन से वॉट थेरेपी नहीं बल्कि कोल्ड पैक्स यूज़ करते हैं। डिफरेंट स्प्रेज आती हैं जो कि इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इसके अंदर बेसिक सा एक इंट्रोडक्शन इस थेरेपी का आ गया। अब वो कहता है कि हम लोग जो भी कोल्ड एप्लीकेशन लगा रहे हैं वो डिपेंड कर रही होती है डिफरेंट फैक्टर्स के अंदर, वो डिपेंड कर रही होती है तीन फैक्टर के अंदर। एक तो ये कि टिशू की थर्मल कंडक्टिविटी कैसी है, उसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है, क्योंकि हमें पता है डिफरेंट टिश्यूज के अंदर डिफरेंट थर्मल कंडक्टिविटी होती है, वो डिफरेंट स्पीड से हीट को ट्रांसफर कर रहे होते हैं। जैसे कि हमने एक एग्जांपल दी, ऐसे टिश्यूज जिनके अंदर जो हमारे पास वाटर है वो उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, उनकी थर्मल कंडक्टिविटी जो है ना वो क्या होती है, हाई होती है। ठीक है, एज कम्पेयर टू दोज टिश्यूज जिसके अंदर जो है ना वो फैट ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। इसलिए हमारे पास इसकी जो एप्लीकेशन ऑफ कोल्ड है, कितनी इंटेंसिटी की कोल्ड आपने अप्लाई करनी है, वो वेरी कर रही होती है। नंबर टू कहता है लेंथ ऑफ द टाइम फॉर विच द कोल्ड इज अप्लाइड। जितने ज़्यादा टाइम के लिए कोल्ड अप्लाई करनी है उसी के अकॉर्डिंग जाहिर से बात है हम उसकी इंटेंसिटी को जो है वो एडजस्ट करेंगे। उसके बाद तीसरी बात वो कहते हैं साइज ऑफ द एरिया। जो एरिया हम आप ट्रीट कर रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है कौन सा कूलेंट एजेंट, कौन सी टेक्निक आपने जो है वो उसके ऊपर इस्तेमाल करनी है। ठीक है, अब जब मैंने कहा कि डिफरेंट टेक्निक्स डिफरेंट पर्पसेज के लिए यूज़ होंगी, तो हमारे पास कौन कौन सी टेक्निक्स हैं कोल्ड के लिए जो कि हम यूजली इस्तेमाल करते हैं, जिसमें नंबर वन हमारे पास आती है आइस मसाज। ठीक है, आइस मसाज के बारे में आप सबको पता होगा, इसके अंदर हम लोग बेसिकली आइस क्यूब्स लेते हैं। ठीक है, उसको या तो हम लोग पॉलीथीन बैग के अंदर रैप कर लेते हैं। ठीक है, पॉलीथीन बैग के अंदर रैप कर लेते हैं, इसमें हम लोग आइस क्यूब यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर हम फ्लेक्ड आइस इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लेक्ड आइस इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम लोग जो है वो क्रश्ड आइस इस्तेमाल कर सकते हैं, और उनको पॉलीथीन बैग्स के अंदर रैप करते हैं। ठीक है, और हम लोग जो है ना अप्लाई कर देते हैं बॉडी के ऊपर, उस बॉडी टिश्यू के ऊपर जिसको हम लोगों ने ट्रीट करना होता है। ठीक है, हम लोग कहते हैं कि जिसके अंदर पेशेंट टिश्यू है वो हम लोग पेशेंट के ऊपर रखते हैं, ऐसा नहीं करते कि हम लोग नीचे प्लेस करके फिर पेशेंट को ऊपर रखवा देते हैं, वो अच्छी चीज़ नहीं होती। हम पेशेंट को ऊपर जो है वो फुट के ऊपर खुद अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये बात होगी। उसके बाद वो कहते हैं कि यूजली हम लोग जब मसाज करनी होती है तो हम कहते हैं कि हम यहाँ पर सर्कुलर मोशन में कर रहे होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है वो हमारा इसके अंदर क्या हो रहा होता है, प्रेशर को हम जो है वो कम रख रहे होते हैं, सर्कुलर में रखते हैं, यहाँ पर टू और फ्रो मोशन में अप्लाई कर सकते हैं। और ये थेरेपी ऑलमोस्ट 10 to 20 मिनट्स के लिए जो है वो आप लोग यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद पहली टेक्निक थी, दैट वॉज आइस मसाज। नंबर टू पर जो दूसरी टेक्निक हम लोग पढ़ेंगे, दीज आर द आइस टॉवल्स। इस टेक्निक के अंदर क्या होता है कि हम लोग डिफरेंट टावल लेते हैं। ठीक है, उसको हम लोग एक बकेट के अंदर डिप करते हैं। ठीक है, वो बकेट क्या कंटेन करती है, वो बकेट जो है स्लश की तरह, उसके अंदर जो है ना वो आइस मौजूद होती है। ठीक है, उसके अंदर क्रश्ड आइस हो सकती है, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास फ्लेक्ड आइस हो सकती है, या वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा आइस कूल हो सकता है। ठीक है, इतना वो उसके अंदर हम लोग जो है वो यूजली प्लेस करते हैं टॉवल, और डायरेक्टली हम लोग जो है वो स्किन के ऊपर इन टॉवल्स को जो है वो प्लेस कर देते हैं। अब ये मेथड इस मेथड से बेटर इसलिए है क्योंकि जब भी आइस मसाज कर रहे होते हैं हो सकता है कि आइस क्यूब जब हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं तो वो आइस बर्न कॉज कर सकता है। ठीक है, अगर हम प्रॉपरली उसको मूव नहीं करें, रैपिडली मूव नहीं करें, ऑब्वियसली ज़्यादा देर के लिए तो पेशेंट आइस टॉलरेट नहीं ना कर सकता, इसीलिए हम लोग आइस टॉवल्स वाली टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। टॉवल को हम लोगों ने उसके अंदर डिप किया, पेशेंट की बॉडी के ऊपर हम लोगों ने क्या कर दिया, रैप कर दिया। ठीक है, अब इस टेक्निक में वो कहते हैं कि हम लोग ना डिपेंड कर रहा होता है पेशेंट की कंडीशन कैसी है, हम लोग 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक के टाइम के ड्यूरेशन के अंदर ना एक टॉवल को पेशेंट के ऊपर प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, और टोटल ट्रीटमेंट टाइम हमारा मैक्सिमम 15 से 20 मिनट के अंदर जो है ना वो हो सकता है। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं इमर्जन इन कोल्ड। अब कोल्ड इमर्जन इन कोल्ड से सिंपल हम लोगों को नाम से पता चल रहा है कि इसमें हम लोगों ने क्या करना है, अगर हमारे पास लिम कोई थोड़ा हैवी लिम है, ज़्यादा एरिया पे हम लोगों ने कोल्ड थेरेपी अप्लाई करनी है, तो हम लोग जो है वो एक टब लेते हैं जिसके अंदर हम लोग कोल्ड वाटर को फिल करते हैं। ठीक है, और उसके अंदर उस पार्ट को जिसको हम लोगों ने ट्रीट करना है क्या कर देते हैं, इमर्ज कर देते हैं। ठीक है, वाटर का जो ट्रीट टेम्परेचर है वो हम लोग इसके अंदर 0 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर रखते हैं। क्रश्ड आई या फ्लेक्ड आई हम लोग इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सट्रीमिटीज़ यूजली हम ये मेथड इस्तेमाल करते हैं जब हम लोगों ने ट्रीट करना होता है एक्सट्रीमिटीज़ को। ठीक है, उसके
का तो कहते हैं कि हम लोग यूजली ऐसा करते हैं कि पेशेंट की टॉलरेंस पे डिपेंड कर रहा होता है क्या उसका ट्रीटमेंट टाइम होगा, इसीलिए हम लोग जो है ना वो पेशेंट को डिप करा रहे होते हैं। और अगर पेशेंट ज़्यादा देर के टॉलरेट नहीं कर रहा होता, हम उसको कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए बाहर ले, दोबारा डिप कर ले, अनटिल द ट्रीटमेंट टाइम जो हमारे 10 मिनट का होता है वो कंप्लीट नहीं हो रहा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आते हैं कोल्ड पैक्स, हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अब कोल्ड पैक्स ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने एक पैकेट के अंदर आइस भर दी, कोल्ड पैक थोड़ी सी उससे डिफरेंट चीज़ है कि कोल्ड पैक के अंदर कुछ हमारे पास स्पेशल मटेरियल प्रेजेंट होते हैं जो कि उस एरिया जो कि हमारे पास कूलिंग एजेंट है उसकी क्वालिटी को वो रिटेन करते हैं, जैसे कि हम लोग सिलिकेट जेल की बात करते हैं वो इसके अंदर मौजूद होती है, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि इसका कोल्ड पैक्स का फायदा यह है कि डिफरेंट साइजेस के अंदर अवेलेबल होते हैं, ठीक है। डिफरेंट साइजेस के साथ साथ डिफरेंट शेप्स के अंदर ये वाले हमारे पास कोल्ड पैक्स अवेलेबल होते हैं जो कि हम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये पैक्स जो हम लोग रेफ्रिजरेटर्स के अंदर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और मेन एडवांटेज ये होता है कि ये रीयूजेबल हो सकते हैं, ठीक है। रीयूजेबल हो सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने एक ऐसे एजेंट की बात की है जो यहाँ पर हम लोग आइस को रिटेन करते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम लोग जिस भी बॉडी पार्ट पर रखे हैं उसको जो है ये अकॉर्डिंगली रिटेन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टेक्निक ऑफ एप्लीकेशन जो कि हम लोगों ने इसकी पढ़नी है, दैट इज़ द वेपर कूलेंट स्प्रेज। अक्सर आप लोगों ने ग्राउंड में देखा होगा जब भी कोई एथलीट जो है वो क्या कहते हैं इंजर होता है, ठीक है, और उसको एक स्प्रे किया जाता है और फिर वो दोबारा ग्राउंड की तरफ रिटर्न कर सकते हैं अगर इंजरी सीवियर नहीं होती। यूजली वो हमारे पास क्या होती हैं, स्प्रेज होती हैं जिनके अंदर क्या मौजूद होती है, फ्लोरोमीथेन मौजूद होती है, ठीक है। फ्लोरोमीथेन मौजूद होती है या फिर आप कह सकते हैं इथाइल क्लोराइड मौजूद होती है। ये एक ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं, रैपिड कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं और स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ में या एथलीट्स में इसको कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है। स्प्रे को 1 फीट से या फिर 1 फीट या फिर 12 इंच से 1 फीट होती हैं इस डिस्टेंस पर रख कर अप्लाई किया जाता है ताकि वो ज़्यादा एरिया को जो है वो कवर कर ले या और इसके बाद हम लोग टिश्यूज को ना फोरन से जेंटल स्प्रेच अप्लाई करते हैं ताकि जो है ना वो एथलीट रिटर्न कर सके ग्राउंड में, ठीक है। ये हमारे पास तो बेसिक से मेथड है जो कि आपने देखे होंगे अक्सर अप्लाई होते हुए। अब हमारे पास एक ऐसा मेथड आता है जो कि थोड़ा डिफरेंट है, दैट इज एक्साइटेटरी कोल्ड। एक्साइटेटरी कोल्ड मेथड में वो कहते हैं कि इसके अंदर जब भी अप्लाई करते हैं तो जब कोल्ड थेरेपी अप्लाई कर रहे होते हैं वो कहते हैं कि इसकी वजह से क्या होता है, कॉन्ट्रेक्शन इनहिबिटेड मसल की जो है ना वो फैसिलिटेट हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास मायोटोम आ जाती है या डर्माटोन आ जाती है। अब हमारे पास एक्साइटेटरी मेथड है ना तो हम लोग एक्साइट करते हैं मायोटोम को, ठीक है, डर्माटोम को या मायोटोम को। अब वो कहते हैं कि मायोटोम के ऊपर तो हम लोगों को इतनी एक्सेस नहीं होती लेकिन डर्माटोम स्किन के ऊपर प्रेजेंट होती है, उसकी तो हमें एक्सेस होती है ना, तो हम उसको ढूंढते हैं और उसके ऊपर 3 बार कोई भी कूलिंग एजेंट हम क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं। जब उसके पर स्ट्राइक किया जाता है तो एज अ रिजल्ट वो क्या हो जाता है, एक्साइट हो जाती है और जो भी हमारे पास एक मेथड था वो एक स्टार्ट हो जाता है। पेशेंट है ना वो मसल कॉन्ट्रेक्शन उसके अंदर हम लोग प्रोड्यूस कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ मेथड विच हमने कहा एक्साइटेटरी कोल्ड। इस मेथड को मैं आपको बुक से बताती हूँ। एक्साइटेटरी कोल्ड द मार्क सेंसर स्टिमुलस ऑफ द आइस ऑन द स्किन कैन बी यूज टू फैसिलिटेट द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द इनहिबिटेड मसल असर्टेन द स्पाइनल रूट लेवल मायोटोम ऑफ द इनहिबिटेड मसल फाइंड द एरिया ऑफ द स्किन विच हैज द सेम नर्व सप्लाई सेम रूट सप्लाई जो कि डर्माटोम मैंने बात की। द आइस उसके ऊपर 3 टाइम्स हम स्ट्रोक करते हैं और उसके बाद स्किन को ड्राई कर लेते हैं। ये स्टिमुलस हमें पेरिफेरल नर्व के अंदर जाता है, फिर हमारे पास सारा पाथवे चलता है, एंटीग्रोन सेल्स और सारा बेसिकली, ठीक है, और हमारे पास जो है ना कॉन्ट्रेक्शन हो जाती है। इसको हम क्विक आइस टेक्निक भी कह रहे होते हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने इसका पढ़ लिया, इसका बेसिक प्रिंसिपल अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट से डिस्कस